बाबा मैं भी रेडी हूँ, बस सिर्फ लंच पैक करना है। बट वॉट अबाउट योर डैड? अरे चिल्लाओ मत, मैं हमेशा की तरह रेडी हूँ। आप भी ना मम्मा। अरे हाँ श्रद्धा, आज शाम को मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है, लेट हो जाऊंगा। मुंबई भी कमाल का शहर, हर आदमी जल्दी में रहता है। यही तो इस शहर की खूबी है, हर आदमी ये सोचकर भागता है कि आज वो अपनी मंजिल पा लेगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि उसकी मंजिल है क्या। तभी तो इस शहर में ना कोई पेट भर खाता है, ना कोई शहर छोड़कर जाता है। पापा जल्दी करो ना, अगर मैं फास्ट नहीं निकलेगी तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके ओके ओके, चलो 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 चलो। जस्ट आफ्टर 15 डेज हमारे स्कूल का पेरेंट्स डे है, जिसमें डांस, ड्रामा, फैंसी ड्रेस और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। जिन स्टूडेंट्स का इन कल्चरल एक्टिविटीज के लिए सिलेक्शन हो चुका है, आज स्कूल अवर्स के बाद उनका ड्रेस रिहर्सल होगा। श्रुति देखना, इस बार भी डांस में तेरा ही नंबर लगेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 1 2 3 4 1 हेलो हेलो निकी बेटा, मैं श्रुति की मम्मी बोल रही हूँ। गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग बेटा। वो श्रुति नहीं पहुंची अब तक स्कूल से? डोंट वरी आंटी, आज एनुअल फंक्शन की ड्रेस रिहर्सल है, वो घर लेट पहुंचेगी। अच्छा, थैंक यू बेटा। हाँ बाय बाय। Round, round, round the down. That's it. Girls, आज की रिहर्सल खत्म। चेंज करके अपने अपने घर चले जाओ, ओके? बाय बाय। हेलो रामधनी, रिहर्सल खत्म हो गया? हाँ साहब, अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तुम हॉल लॉक करके जल्दी से घर आ जाओ, कुछ लोग आने वाले हैं खाना खाने, बहुत काम है यहाँ पे, जल्दी आ जाओ। जी साहब, अभी आता हूँ। लगता है सब गए।
कोई है मेरी मदद करो, कोई है मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सर इस साल हमारी कंपनी ने बहुत तरक्की की है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर एक्सीलेंट, गुड, एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और भी बेटर हो जाएंगे, गुड। और मिस्टर अयूब जो यहाँ पे हैं वो सर वन मिनट। हाँ श्रद्धा बोलो। वो श्रुति अब तक स्कूल से नहीं आई। श्रद्धा आई नहीं है तो आ जाएगी, स्कूल फोन करके देख लो, डोंट पैनिक, यहाँ मीटिंग चल रही है। पर I'll, तुम फोन करो, आई कॉल यू बैक आफ्टर द मीटिंग, ओके? ऑल राइट, ओके बाय। अच्छा ठीक है, बाय, सी यू। सॉरी सर। बस बस यही रोको, कितना हो? रामदेवी भैया, रामदेवी भैया प्लीज यहाँ पे आइए, दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हाँ खोल रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ। बेटी बेटी तुम अंदर कैसे रह गई? रो मत, रो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, बस। नहीं आप मुझे घर तक मत छोड़िए, हाँ वहां तक छोड़ दूंगा। आ बेटिया मत रो, चुप हो जा। ये लो बेटी, संभल कर जाना। हाँ। चलो चंदू। हाँ बोलना, तेरे पास माल है क्या कुछ? ए ईशान अपने पास माल ही माल है भाई, ये साले महक ने अपनी आदत खराब कर डाली खजूर। अबे चंदू, अरे चवन्नी की तंबाकू खाने की औकात है तेरी, समझा? साला राजाओं का शौक रखता है और बादशाह पे उंगली उठाता है। चल 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 चल, तू भी चल जल्दी। मार मार लगा दम कस के। मार मार दुपी सुट्टा मार। ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना वो कलर्ड नजर आएगी, समझा? मार ले लाइशान दे। चल यार। मोटी में ना मजा नहीं है। क्या बात है यार,
ये क्या कर रहा पागल? चीतोगे तो खत्म कर डालूंगा। Yeah!
हेलो हेलो पुलिस हेलो हेलो ये अरे आप लोग अरे हटो गणपत जी लड़की जिंदा है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ जी कृष्णा तुम फटाफट फोटो खींचो इसकी हेलो मैं इंस्पेक्टर क्रूज बोल रहा हूँ देखिए आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है हम उसे छत्रपति हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आज मुंबई लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ अभी तक मीडिया के लोगों को अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है डीपी क्या अस्पताल के सूत्रों से या पुलिस के सूत्रों से कुछ ये पता चल पाया कि वो बच्ची कौन थी नहीं देवांग उस बच्ची के माता पिता के बारे में अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस सूत्रों ने तो बस इतना ही बताया है कि उस बच्ची के माता पिता को इन्फॉर्म कर दिया गया है इस वक्त शायद वो अस्पताल में ही है डीपी इस बलात्कार के बारे में सरकार की ओर से या पुलिस कमिश्नर की ओर से कोई बयान आया नहीं देवांग पुलिस कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त अस्पताल के अंदर ही है अभी अभी कुछ देर पहले ही सीएम प्रभुदयाल मोरे उस बच्ची का समाचार लेने के लिए अस्पताल में आए हैं दीप्ति हम लोग तुम्हारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे जैसे ही कोई समाचार मिले हमें सूचित करें धन्यवाद दीप्ति धन्यवाद देवांग कमिश्नर सर ये केस रेलवे पुलिस सॉल्व नहीं करेगी सर इस केस को आप क्राइम ब्रांच को दीजिए यस सर इंस्पेक्टर कर्पे यस सर कॉल इंस्पेक्टर कृपा सर एक्सक्यूज मी यस सर हेलो इंस्पेक्टर कृपा मैं इंस्पेक्टर करपे बोल रहा हूं आपको कमिश्नर साहब ने याद किया है आपको फौरन छत्रपति हॉस्पिटल आना है ठीक है चलो सारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक से एक टॉप ऑफिसर्स पड़े हुए हैं लेकिन कमिश्नर साहब को एक यही काबिल इंस्पेक्टर लगता है सर उसकी 3 वजह है वो क्या बीमार है साला क्या बीमारी उसे ईमानदारी की ऊपर से पागल भी है वो कैसे सबको अच्छा आदमी बनने के लिए बोलता है अब पुलिस डिपार्टमेंट में हर कोई अच्छा आदमी तो नहीं बन सकता ना उसका ना तो कोई आगे गाने वाला है ना कोई पीछे रोने वाला लेकिन उसकी बीवी कहाँ गई बच्चे रानी में कैंसर था लास्ट ईयर बिना इलाज के तड़प तड़प के मरी पुलिस डिपार्टमेंट को 24 घंटे का फोकट में नौकर मिला है साला ऐसे लोग आजकल के जमाने में पैदा ही क्यों होते हैं इंस्पेक्टर कृपा सर आज से केस आप हैंडल करेंगे सर अगर गुनाहगार का एनकाउंटर करना पड़े तो मुझसे पूछना मत सीधे गोली मार देना सर आइए आप लोग डॉक्टर शी इज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन सर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बदतर हालत में किसी पेशेंट को नहीं देखा
उस बच्ची के साथ एक से ज्यादा आदमियों ने बलात्कार किया है। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं और आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया है। डॉक्टर साहब, डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। सर, इस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दे दिए हैं, अगर 48 घंटे के अंदर अंदर गुनाहगार गिरफ्तार नहीं हुआ तो बांद्रा से लेकर बोरीवली तक के तमाम पुलिस स्टेशन के इंचार्जों को सस्पेंड कर दिया जाएगा कमिश्नर का ट्रांसफर। नाउ नो प्रेस प्लीज। देवांग, ये थे मुख्यमंत्री प्रभुदयाल मोरे, जिन्होंने पहली मर्तबा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना देते हुए सीधे ऑर्डर दिए हैं। मुख्यमंत्री का ऐसा सख्त रुख पहली बार देखने को मिला है। कैलाश जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा विभत्स और घृणित कांड ऐसी सरकार में ही हो सकता है जिसका प्रशासन पर काबू न हो। जब से इनकी सरकार राज्य में आई है ना, तब से चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, बम ब्लास्ट आम आदमी के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस बार हमारी पार्टी खामोश नहीं रहेगी। सर, आपका अगला कदम क्या होगा? हम कल ही राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे कि राज्य में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और कल पूरा शहर बंद रहेगा। सर, इस शहर में कुछ भी होता है, आपकी पार्टी आए दिन बंद का ऐलान करती है, इससे किसका फायदा होता है? फायदे गैर फायदे का हिसाब तुम करते रहो। हमने कहा बंद मतलब बंद। देवांग, ये थे अपोजिशन लीडर कैलाश राव काटे। इन्होंने वही बरसों पुराना घिसा पिटा, रटा रटा और पढ़ा पढ़ाया पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। मैं हूँ दीप्ति दयाल, मुंबई आज तक। हम सब लोगों को मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। कृपा, तुम्हारा प्लान क्या है? कल से चर्चगेट से लेकर विरार तक किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भिखारी, कंगला, हिजड़ा, सुरक्षा मजनू, बिना लाइसेंस के हमाले करने वाला मजदूर कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। इसमें कोई शक, उठाओ साले को, अंदर करो। मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगी। दो ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, उस बच्ची की स्टिचेस टूट गए और वो तड़प रही है। सॉरी, शी इज नो मोर। श्रुति, 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 देख मम्मी आई है। श्रुति, श्रुति, वेट अप श्रुति, श्रुति देख मम्मी आई है। श्रुति, 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 आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी श्रुति को वापस ले आइए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, कुछ कीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज चेक कर, आई थिंक शी इज अलाइव। डॉक्टर साहब, श्रुति, डॉक्टर साहब प्लीज, शी कांट डाई ऑन अस डॉक्टर, शी कांट डाई ऑन अस डॉक्टर। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब, श्रुति, श्रुति।
श्रुति को तुम बहुत प्यार से विदा करना चाहती थी, हमारी किस्मत में शायद यही विदाई लिखी है। श्रुति की आत्मा को शांति दे। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। चिल्ड्रन, अब आप अपने अपने क्लासेस में जाइए। स्कूल एज यू आर, हेड अप। स्कूल अबाउट टर्न। लुक इंस्पेक्टर, स्कूल के भी कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपके घर के अंडे, सब्जी और ब्रेड लाने के समय वो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स कहां घुस जाते हैं? मुझे रामधनी से सब कुछ मालूम हो गया है कि हुआ क्या था। अगर आपने रामधनी को अपने घर में काम करने के लिए नहीं बुलाया होता तो यहां से टल सकता था। मैंने जो कहना था कह दिया। मैं कोई गुनेगार नहीं हूं इंस्पेक्टर कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब नहीं दे सकते लेकिन आप डोनेशन ले सकते हैं। बच्चों के माता पिता के खून पसीने कमाई से आप मौज मस्ती कर सकते हैं लेकिन आप बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। प्रिंसिपल साहब, अगर मुझे इस बच्ची का कोई फर्दर क्लू नहीं मिला तो मैं सबसे पहले आपको अंदर करूंगा। एक रात हवालात की हवा और पुलिस वालों के लाते आपकी सारी हेडमास्टरी भुला देगी। जय हिंद। ये क्या श्रद्धा, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? आज ऑफिस नहीं जाना? नहीं श्रीकांत, ये ऑफिस में जाकर मेरा रेजिग्नेशन लेटर दे देना। क्यों? मैं लोगों के सवालों के जवाब दे देकर थक चुकी हूं श्रीकांत। हमारी बच्ची पर उन जालिमों ने एक बार बलात्कार करके उसे मिटा दिया। अब लोगों के सवालों से मैं अपनी श्रुति पर रोज रोज बलात्कार होते हुए नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं। मत रो श्वेता, प्लीज मत रो, वरना श्रुति की आत्मा को दुख पहुंचेगा। ए सुटिया, सुटिया, एक कस देना मेरे को, एक लाइन देना मेरे को। ए इसको मत देना, एक लाइन भी मत देना इसको। ए आराम का खाली पीने को आया है। बोलना इसको, एक लाइन देना, एक लाइन। एक लाइन भी नहीं मिलेगा। इसका नाम है ब्राउन शुगर गरज। क्या अगर तू तड़प के मेरे सामने मर भी जाएगा ना? आज मेरा धंधा नहीं हुआ है, समझ ना। अरे धंधा नहीं हुआ तो क्या करूं? मेरे साथ वाले इनको क्या बोलूं?
एक लाइन दे रहे मेरे को। धंधा नहीं हुआ, बेड़ा बनाता है, कुछ नहीं मिलेगा। सलीम, ए सुटिया, बोलना सलीम को, एक लाइन दे मेरे को, एक। तुझे क्या लगता है सलीम, अयोध्या में मंदिर बनेगा कि मस्जिद? चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, उसे अपने को क्या लेना। ए सुटिया, सुटिया, सलीम को बोलना मेरे को लाइन दे, देना मेरे को एक सुट्टा। सलीम को बोलना एक सुट्टा दे मेरे को। मेरे को लगता है ये नेता लोग पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। अरे साला, देश में कितने प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हमारे जैसे लाखों लोग हैं, रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मिलता, और ये साला लोग मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। तू क्या मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ा यार? हाँ, यहाँ खाने के वांदे, पीने के वांदे, हाँ यहाँ रहने के वांदे, सोने के वांदे। छोड़ना मंदिर मस्जिद की बात। ये सुटिया, सुटिया, मेरे को एक सुट्टा देना। मैं अगर एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूं, वहां गार्डन या स्कूल बनाने का ऑर्डर करके। मत दे साले, मैं भी तेरे को नहीं बताऊंगा। उस लड़की का जो ट्रेन में बलात्कार हुआ था ना, और कौन थे वो लोग? अरे अरे बैठ बैठ ना, क्यों नाराज होता है यार। ए सलीम, दे दे, पिला पिला ले। क्यों नाराज हो जाता है यार? किसी को बताना नहीं ये बात, समझा? नहीं तो पुलिस के चक्कर में फंस जाएगा। क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन? कुछ माल वाल मिले तो मुंह खुले ना सावन साहब। ए, तो पहले टिप तो दे सुटिया, जितना चाहे माल मिल जाएगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में माल की कोई कमी नहीं है। बोल। टिप तो है साहब, पर आपके डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं। फिर वो ट्रेन में बच्ची का रेप हुआ था ना उस दिन, उसका विटनेस है अपने पास। बोल साहब, थोड़ा नशा तो होने दीजिए, फिर जो पूछेंगे बताऊंगा आपको। देख धोंडू, तू जितना बोलेगा उतना ही माल मिलेगा। बता कौन थे वो लोग? कौन थे मतलब? जिन्होंने उस लड़की का रेप किया था। वो मैं नहीं जानता साहब। है क्या जानता है तू? साहब मैंने सिर्फ उन तीन लोगों को देखा है जो उस वक्त डिब्बे में थे जब लड़की के साथ गलत काम हो रहा था। देखेगा तो पहचान लेगा। साहब ट्रेन में 10 साल से भीख मांग रहा हूं। डोंडू की आंखों ने जिसको भी एक बार देख लिया, समझो कि दिमाग में उसकी फोटो छप गई। जरूर होंगे वो लोग। चल, तुझे पक्का पता है कि इसी ट्रेन में आएंगे? साहब ये मेरा आए दिन का काम है, 90% लोग एक ही ट्रेन में एक ही टाइम से जाते हैं। यही हो बुड्ढा, रमणी
कुंवरा नाम है मेरा। जिस रात ट्रेन में बच्ची का रेप हुआ था आपने सब अपनी आंखों से देखा था? हाँ साहब। फिर भी आप खामोश रहे? हाँ साहब। मैं समझ सकता हूं आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा तो कर ही सकते थे। मुझे मना किया गया था। किसने किसने मना किया था? ने मना किया था, मैंने। मेरा नाम है शालिनी लोखंडे। इस आदमी को जानते हैं आप? यह है रमणीक भाई वोरा, क्रांति बीच अखबार के मालिक और एडिटर। सच्चाई के रास्ते पर चलने की कसम खाई थी इन्होंने। भगवान के सिवाय ये सर कभी किसी के आगे झुका नहीं, कभी किसी से डरता नहीं था ये इंसान। जानते हो तुम्हारी पुलिस ने क्या मदद की इनकी? फरियाद लेकर गए थे, गुनेगार की तरह मार मार कर पुलिस स्टेशन से भगा दिया। उस चक्कर में घर से बेघर हो गया ये इंसान, फ्लैट से सीधा झोपड़पट्टी में आ गया। कसूर क्या था? एमएलए कैलाश राव कांटे के भ्रष्टाचारों के खिलाफ दो चार सच्चे लेख लिखे थे इन्होंने, और वो इलेक्शन हार गया, जिसका बदला उसने इनसे लिया। कभी नाम था इनका, और आज चर्च गेट के फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचकर एक गुमनाम से जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ मरने के लिए। अगर यही हादसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? पेट से होती तो बच्चा गिरवा देती, मर जाती तो जला देती, और अगर पेट के लिए वो धंधा करती तो उससे मुंह मोड़ लेती, लेकिन पुलिस स्टेशन कभी नहीं जाती, कभी नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपके दिल में इतना जहर क्यों है? आपके सब इंस्पेक्टर राणे की वजह से। उसने मुझे मंत्रालय में नौकरी दिलवाई, और उसके बदले पिछले 18 साल से मुझे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ उसने। एक बच्ची पैदा करने की मर्दानगी थी उसमें। अगले महीने मेरी पूजा की शादी है, लेकिन इसे आकर आशीर्वाद देने की हिम्मत नहीं है उसमें। सच कहूं साहब, आपके ना जाने कितने पुलिस स्टेशनों का पिछला दरवाजा रंडी बाजार में खुलता है, पर हर दगाबाज और भ्रष्टाचारी पुलिस वाले के घर के पिछवाड़े एक शालिनी देवी रहती है, और आप जहर की बात करते हैं। तुम्हारी खामोशी मेरी बात का जवाब नहीं है इंस्पेक्टर। हमारे पास सिर्फ 8 घंटों की डेडलाइन बची है, उसके बाद कम से कम 10-15 ऑफिसर सस्पेंड हो जाएंगे। सर मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, पर मुझे उसके लिए आपके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। टेल मी इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या कोऑपरेशन चाहिए मुझसे? सर ये पॉलिटिशियन तो रोज हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेलते ही हैं, क्यों ना हम भी इनके साथ एक खेल खेलें। गो अहेड। थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ माई पुलिस डिपार्टमेंट। मैं इंस्पेक्टर कृपा का नाम राष्ट्रपति पदक के लिए रिकमेंड करूंगा। इन्होंने सिर्फ 48 आवर्स में अपनी स्पेशल टीम की मदद से इन तीनों बदमाशों को अरेस्ट कर लिया, जिन्होंने लोकल ट्रेन में उस बच्ची का रेप किया था। सर, ये तीनों के हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या इन्होंने पहली बार ऐसा गुनाह किया है? सॉरी, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता हम ये बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर इतना तो बता ही सकते हैं कि ये लोग किस गैंग या ग्रुप से हैं? जी आप लोग गले में उंगली डालकर उल्टी करवाने की आदत क्यों नहीं बदलते? देखिए जर्नलिस्ट की तरह रहिए, पुलिस वाला बनने की कोशिश मत कीजिए। कृपा। सॉरी सर। सर ये तो बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है? माफ कीजिए दोस्त, उनका नाम जाहिर करने से उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके परिवार वाले सब चौकन्ने हो जाएंगे, और कहीं गलती से उनको जमानत मिल गई तो कल आप ही लोग कहेंगे पुलिस को उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, पुलिस को उनका नाम पब्लिक नहीं करना चाहिए था। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, और इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। चाइल्ड रेप आज एक मेजर क्राइम बन चुका है, हर दूसरे दिन किसी गांव या शहर में ऐसी वारदातें होती ही रहती हैं। हम देश के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रखना चाहते हैं जिसे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फॉलो कर सके। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक बार मैं उन राक्षसों की शक्ल देखना चाहती हूँ।
सिर्फ उन राक्षसों को देखने से राक्षस नहीं मर जाएंगे। क्या मिलेगा आपको उन हरामखोरों को देख के? इंस्पेक्टर, रसने वाले सांप को पिटारे में देखने से क्या मिलता है? एक आदमपुर जानवर को पिंजरे में देखकर क्या मिलता है? आदमी को इस पत्थर को ठोकर मारने से क्या मिलता है जिससे उसने चोट खाई? कुछ मिले ना मिले, तसल्ली जरूर मिलती है इंस्पेक्टर। यह है हवलदार बोरकर, कांस्टेबल रमाकांत और सब इंस्पेक्टर पाटिल, माहिम पुलिस स्टेशन। इसका मतलब वो जो कुछ भी आप लोग ने मीडिया के सामने किया वो एक धोखा था, एक नाटक। मैं पूछती हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये धोखा किसके साथ? हमारे साथ, जनता के साथ या खुद अपने आप के साथ? यही एक वजह इंस्पेक्टर कि कोई भी इज्जतदार आदमी पुलिस वाले को अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं करता, यही एक वजह है कि लोग पुलिस वाले को गली का कुत्ता समझते हैं, कि जो जब भौंकता है तो मोहल्ले वाले को लगता है कि वो उनकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन जब वो काटने पे आ जाए तो वो सिर्फ अपनों को काटता है। मुझे जानकर हैरत नहीं हो रही है कि आप लोग भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हैं जितना एक आम आदमी पुलिस से करता है। श्रीकांत जी, कुत्ता, हाथी और विद्वान अपने ही जाति के दुश्मन होते हैं, पर हम पुलिस वाले अपने साथियों के दुश्मन नहीं होते। आपको जितनी भी गाली देनी है, जो कुछ भी कहना है, आप प्लीज मेरे प्लान को सुनने के बाद ही कहिएगा। आइए। दिमाग में यह बात आई कैसे कि मैं आपके कहने पर कीचड़ में उतर जाऊंगी? गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है मिसेस वर्मा। बकवास करते हैं आप, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पड़ा है, उनसे मदद क्यों नहीं लेते आप? देखिए, उन गुनहगारों की गिरफ्तारी हम पहले ही दिखा चुके हैं और ये बात मीडिया वालों ने घर घर तक पहुंचा दी है। इस मामले में अब मैं सिर्फ आप ही की मदद ले सकता हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही चुके हैं। बेटी का कन्यादान करने की जगह से शमशान तक तो छोड़ ही आए हैं, सुहाग के जोड़े पहनाने की जगह उसे आप कफन तो पहना ही चुके हैं, डोले में बिठाने की जगह उसे आप दफना ही चुके हैं। तो आप भी उन मां बाप में से एक निकले जो बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद कन्यादान के कर्ज से मुक्त हो जाते हैं और गाली गाली पुलिस को देते हैं। लानत इंस्पेक्टर। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ना आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ना अदालत जाना पड़ेगा, ना गवाही देनी पड़ेगी, ना कोई पूछताछ करेगा। एक बार, सिर्फ एक बार आप लोग मेरे प्लान में मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं जानता हूं आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं उस बच्चे के साथ और ना ही मेरा। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं और आप लोग भी सब कुछ भूलकर सिर्फ इंसानियत निभाइए, सिर्फ इंसानियत। हाँ,
वेलकम है बाप, झटका से बहुत झटका। आ गए क्या जी? अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही दिखाई दे मुझे। हेलो हेलो शालू जी, मेरी ट्रेन मिस हो गई है। क्या ट्रेन मिस हो गई? और सर अब तो ये सीधे पूरी क्या हुआ सर? वो लोग डब्बे के अंदर ही है। क्या चाबी चाबी कहाँ है? यस सर। तुम लोग बोरी वाली स्टेशन पर
अरे याला चल 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 जरा प्लीज हटिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब क्या है इंस्पेक्टर साहब मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं मुझे पता चला है कि वो यहीं है श्रद्धा श्रद्धा वर्मा वो बोरी वाली ट्रेन मर्डर केस वाली हाँ हाँ भाई वो मेरी पत्नी है तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में अंदर गई हो अरे मर्डर किया उसने मर्डर तुझे तो उसे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए गर्व है मुझे अपनी बीवी पर उसने वो काम कर दिखाया है जो तुम लोगों को करना चाहिए बस पुलिस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम सिखाओगे तुम्हारी बीवी को इंस्पेक्टर कृपा लेडीज सेल में ले गया है कानून सिखाएगा मुझे क्या बात है चौधरी साहब इतनी रात गए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा अभी अभी हमें पता चला है कि तुम्हारे किसी कृपा शंकर नाम के इंस्पेक्टर ने हमारे बेटे मयंक और भंडारी साहब के बेटे ईशान को गिरफ्तार किया है क्या वो दोनों आपके जी हाँ वो हमारे बेटे हैं आइए आइए चौधरी साहब मैं आपको उनसे मिलवाता हूं आइए चलिए डैडी पापा ईशान ईशान कैसे हो बेटा ठीक हूं पापा चौधरी साहब मुझे लगता है कि आप दोनों के बेटों को फंसाया जा रहा है इस केस में हाँ पापा हम लोग निर्दोष हैं हाँ हम जानते हैं बेटा हमने कुछ नहीं किया है डैडी अगर तुमने कुछ किया भी हो बेटे तुम निर्दोष ही छूटोगे क्योंकि तुम एक आईएएस के बेटे हो और एक आईएएस को अपना पावर इस्तेमाल करने का जन्मसिद्ध अधिकार है तुम भी फिक्र मत करो बेटे हमारे वकील सतवानी दिल्ली गए हैं कल वो मुंबई पहुंचे कि समझ लो तुम अपने अपने बेडरूम पहुंच गए जी पापा टेक केयर बेटा सब ठीक हो जाएगा बेटे इंस्पेक्टर इनके खाने पीने का खाने पीने की फिक्र मत कीजिए चौधरी साहब इन्हें जो चाहिए सब मिलेगा इन्हें सब कुछ मिलना चाहिए इंस्पेक्टर ये हमारे बेटे हैं डोंट वरी टेक केयर बेटा आइए जी पापा ओके उस सेल में
मकसद बदल जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती श्रद्धा। कल तक अपनी बेटी की परवरिश करना तुम्हारा फर्ज था, लेकिन अब न्याय से लड़ना हमारा फर्ज है श्रद्धा। तुमने वही किया जो कोई भी मां करती। कृपा शंकर से कहकर उस कमीने को उसी शमशान में जलाना जहां मेरी श्रुति सोई है। शायद इसी से उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। चंदू की मां हूं मैं, लेकिन शर्म आती है ऐसे बेटे पर मुझे, इसलिए ना ही उसका शव लेने आई और ना ही उसका अंतिम संस्कार करवाया। मैं कृपा शंकर, इंस्पेक्टर, यह रहा चंदू का डेथ सर्टिफिकेट। डिग्री लाने का सपना देखा था, डेथ सर्टिफिकेट आ गया। मैं इसे फ्रेम करके दीवार पर टांगूंगी और रोज थूकूंगी इस पर। ऐसा क्यों बोल रही है? ये देखो, उस हराम खोर की फोटो पर मैंने फूल भी नहीं चढ़ाए। मातम मनाने जो लोग आए थे उन सबको भगा दिया। मैंने लाख मना किया था, उन बड़े बाप के बेटों के साथ ज्यादा मेल जोल मत बढ़ा। अमीरों के साथ रहकर अमीरी के सपने देखने लग गया था, चमचा बन गया था उनका। मां अपने बच्चों के हजारों गुना माफ कर सकती है, पर बेटा ही मां का भोग करे, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। 9 साल की बच्ची दुर्गा का रूप होती है, नवरात्रि में हम उसे मां बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी इज्जत लूटकर मार डाला इन लोगों ने। अच्छा हुआ मर गया कुत्ता, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। आप जैसी मां की वजह से ही आज मां जिंदा है, ऐसी मां को मैं प्रणाम करता हूं। साहब, चंदू को तो उसके किए की सजा मिल गई, मगर आप उन अमीर जादों को मत छोड़ना। Ah!
नेक्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी में जो भी आएगा सबसे पहले इन सालों की ठुकाई करेगा और जाएगा तब भी इनकी ठुकाई करेगा। सर इनकी चार्जशीट कब दाखिल होगी अदालत? जब मार खा खा के दुनिया की हर लड़की इनको एक आंख से माँ दिखाई देने लगे और दूसरी आंख से बहन, तब। एंड दिस इज माय ऑर्डर, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। राइट सर। किरण जी। हाँ। अब आपकी बारी है, सुन लिया ना साहब का ऑर्डर? हाँ सुन लिया। यो रास्कल। माँ। यो दीदी। अब हमदर्दी जताने आए हो? तुम्हीं ने तो कहा था गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। हो गई साफ तुम्हारी गंदगी? तुम्हारी वजह से आज श्रद्धा जेल में है। ये जो कुछ भी हो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं, पर मैं वादा करता हूं कि एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। अपने माथे पर यह कलंक लेकर ना मैं रिटायर होऊंगा और ना मैं मरूंगा। इंस्पेक्टर प्लीज, आइंदा ना मुझे हमदर्दी जताने आना, ना ही मेरे आंसू पोंछने। मेरा तुमसे और तुम्हारे कानून से विश्वास खत्म हो चुका है। श्रीकांत, श्रीकांत, कानून अजगर की तरह से होता है, जिसका मुंह देखने में तो बहुत छोटा लगता है पर जब वो किसी को निगलता है तो पूरी तरह से हजम कर लेता है। समय आने पर यह बात भी आप समझ जाएंगे। मिस्टर नारायण चंद भंडारी, यह रहा आपके घर का सर्च वारंट, पर मुझे सिर्फ तुम्हारे सुपुत्र के कमरे की तलाशी लेनी है। ऑफिसर, जब तक मेरा वकील यहां नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे घर की आश्रय को भी छू नहीं सकते। भंडारी, अगर मैं अपनी जात पे आ गया तो पूरे बंगले की नींव खुदवा दूंगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, रेवेन्यू और सर्विस टैक्स, इन सारे डिपार्टमेंट की एक एक ब्रांच तेरे घर में खुल जाएगी और तेरा बेटा जो तेरे बुढ़ापे की लाठी है उसे टेकने के लिए तुझे भी जेल में घुसेड़ दूंगा। इशार का कमरा ऊपर है। धन्यवाद। चलिए। हाँ सतवानी, पूरा कमरा देखो। है सर। एक भी कोना छूटा नहीं चाहिए। है सर। हाँ उठाओ उसे। सर इतना पूरा। सर ये देखिए। भंडारी साहब, कौन है वो हराम का पिल्ला? कौन है कौन वो कुत्ता जिसने दिन दहाड़े आपका घर सूंघने की कोशिश की? हाँ कौन? सतवारी, यप, ए इंस्पेक्टर, मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा, ऐसा केस ठोकूंगा कि तू क्या, तेरी आने वाली सात पुश्तें भीख मांगते मांगते उसका मूल नहीं चुकता कर पाएगी, समझा? तो तू जानता नहीं कौन हूं मैं? एडवोकेट सत्यप्रकाश सतवानी, MLLB, LLM। ऐसा छापड़ मारूंगा कि लकवा मर जाएगा, सब भी हो जाएगी और अदालत के सामने भीख मांगता फिरेगा तू। सतवानी ये देख, ये तस्वीर तेरी माँ की है। भंडारी के लौंडे के साथ बैठकर तू यहाँ ब्लू फिल्में देखता था और ये कोकेन तू से सप्लाई करता है साले, और ये नोट तूने कोकेन की कीमत अदा करने के लिए रखे थे लेक पंचनामे में और डाल दे साले के हवालात में, और तुझे जो भी सफाई देनी होगी अदालत में देना, ले जाए। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। मैं भी एक बात ही कह रहा हूं, आइंदा किसी पुलिस वाले को कुत्ता कहा साले ऐसी हालत करूंगा कि हर पुलिस वाले को देखकर तुम दुम हिलाएगा। ए निकल, निकल। We'll be right back.
मकान ये सब कुछ सील करो। यस सर। और नीचे लेके आओ। जी आ जाओ। इंस्पेक्टर कृपा शंकर, मेरा नाम टीपी चौधरी है। मैं मयंक का बाप हूं और तुम ये भी जानते होगे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, सेक्रेटरी टू होम मिनिस्ट्री, जो सीएम मिस्टर मोरे के अंडर में है। और ये होम मिनिस्ट्री मेरे इशारे पे चलता है, दौड़ता है और रुक भी जाता है। ये आप मुझे धमकाने के लिए बोल रहे हैं या ये बताने के लिए कि आप अपने पावर से मेरा क्या क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ने की बात ना मैंने सोची ना कही। हाँ, इतना जरूर है कि अगर तुम्हारा रवैया नरम नहीं रहा तो मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकवाऊंगा जहां पुलिस स्टेशन के नाम पर एक टीन के पतरे के नीचे सिर्फ टेबल और कुर्सी होगी। शहर आबादी और आजादी के लिए तरस जाओगे। आप मेरा ट्रांसफर करवाएंगे या खुद चलकर मुझे वहां तक छोड़ने जाएंगे? दोनों हालातों में मुझे 10 मिनट का वक्त तो मिलेगा और उस 10 मिनट में मैं आपके बेटे को पुलिस कस्टडी से भागने के जुर्म में एनकाउंटर कर दूंगा और मैं टीन के पतरे के नीचे ड्यूटी दूंगा और टीन के पतरे के नीचे आप अपने बेटे की चिता को आग देंगे। कृपाशंकर, मेरे ताल्लुकात ऐसे लोगों से भी है जिन्हें ना करने की जरूरत किसी में नहीं है। मैं आपकी पहुंच, ताकत और हिम्मत तीनों को आजमाने से कहां रोक रहा हूं। आपको हर जगह अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। समय बुरा है। जय हिंद। अब ये मामला सिर्फ एलडी से ही सुलझ सकता है। अब ये एलडी क्या है? लेन देन। ईमानदारी का साबुन है ना वो, कमी ना इंस्पेक्टर। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, नोट। नोटों से तोलना पड़ेगा उसे। जो करना है करो मेरे भाई, मुझे मंजूर है। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। लेकिन उस कटखन्ने से बात कौन करेगा? नहीं, अभी हाजिरी नहीं आई उसकी। नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ सावन, तुझसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मुझसे माफी मांगता चलूं। एब्सोल्युटली करेक्ट ठाकुर साहब। आप वकीलों की भाषा अच्छी तरह जानते हैं। मकसद की बात करें, अगर आप शाम को 8 बजे फ्री हैं तो होटल स्काई गार्डन में मिलते हैं, बैठते हैं। एलडी के बारे में बात करनी है। अब ये मत पूछना कि मुझे इसके बारे में कैसे पता है। अपना किस सुल्टाने के आप लोगों के सारे हथकंडे मुझे पता है, श्री सत्य प्रकाश सतवानी जी। तो फिर पक्का शाम को 8 बजे होटल स्काई गार्डन के छत के नीचे। छत के नीचे? हाँ। इंतजाम है? पूरा है। फॉरन की है? फॉरन की। अच्छा। आ तो रवानी, क्या कहा है आपके गुरु सतवानी ने, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे? अरे साहब, पहले कुछ ठंडा गरम ले लीजिए, बाकी की बातें तो बाद में भी हो जाएगी। देखिए भंडारी साहब, मेरे पास फिजूल बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। बताइए क्या करना है मुझे? छोटा सा काम है, भंडारी साहब के बेटे ईशान भंडारी का केस वीक करना है। आप चौधरी के बेटे को फंसा दीजिए, चंदू के ऊपर केस बना दीजिए, सिंपल। देखिए साहब, सतवानी साहब ने कहा है अगर अदालत से हमारा बच्चा घर आ जाए 50 अभी किन देते हैं। गूं खाने की आदत मेरी नहीं है। चलो भाई 1 करोड़ ले लो। क्या यार भंडारी साहब, अगर थोक में ही पकौड़ियां तलनी है तो मैं चलता हूं। एक मिनट,
बैग में पूरे 1.5 करोड़ हैं, न एक पैसा ज्यादा न एक पैसा कम। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए हैं, यू आर अंडर अरेस्ट। तो मिस्टर एल एंड मिस्टर डी, रिश्वत लेना ही गुनाह नहीं है, रिश्वत देना भी बहुत बड़ा क्राइम है। चलिए ले जाइए इनको। चलिए लेकिन। चलिए लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आइए आप लोग, कम ऑन। चलिए। इसका इंतजाम भी नहीं किया यार। पुलिस क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आए दिन मेरे घर पे छापे क्यों मार रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपोजिशन का कोई षड्यंत्र हो? मेरे कंधे पे पांव रखकर आपकी कुर्सी खींचने की कोई चाल हो? आपका इस मामले में क्या मशवरा मिस्टर चौधरी? सर मेरे ख्याल से सरकार को फौरन उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए, ताकि पुलिस कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को परेशान करना बंद करे। वो इंस्पेक्टर आ गए? यस सर। अंदर भेजो। सर ये सब क्या तमाशा इंस्पेक्टर? तमाशा? कैसा तमाशा सर? इस रेप केस को तुमने तमाशा नहीं तो और क्या बनाया इंस्पेक्टर? मिस्टर चौधरी के बेटे ने 8-9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया, तो कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया जिसे तुम इतना बड़ा इशू बना रहे हो? एक बच्ची का रेप, उसका मर्डर, यह कोई इशू नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फौरन इनके बेटे को छोड़ दो और उसे नारकोटिक डिपार्टमेंट में ले जाकर उसे ड्रग्स मुहैया कराइए। उसे पूरी आजादी है कि वो किसी भी लड़की के साथ रेप कर सके, और जिस दिन उसे वो लड़की नहीं मिलेगी, हम अपनी बहन या बेटी इनके लिए मुहैया कराएंगे। क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं और तुम ऑफिसर नहीं हो, हम दोनों दलाल हैं इनके बेटे के, पिम्स। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मिस्टर चौधरी, दूध का धुला मैं भी नहीं, दूध और पानी में फर्क मैं बाखूबी समझता हूं। और हां, मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कोऑपरेटिव डेयरी डिपार्टमेंट में कर दिया है, ताकि वहां तुम अपने लाडले को सफेद जहर की बजाय दूध पिलाने की आदत डाल सको, समझे? और इंस्पेक्टर तुम, अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है, तब तक इसके लाडले का पीछा मत छोड़ना जब तक उसे छठी का दूध याद ना आए, समझे? नाउ मिस्टर चौधरी, Get lost from here. Get lost. शांत हो जाइए भंडारी साहब, शांत हो जाइए। इज्जत हो गया। एक बात याद रखो भंडारी साहब, जो आदमी एक बार जेल जाकर बाहर आता है ना, वही मान बनता है। अब इतिहास खोल के देख लीजिए, बड़े बड़े नेता अभिनेता, यही चक्कर है। आपको बताता हूँ, मेरे गुरु भोजवानी ने पहले केस में मेरे साथ यही किया था। याद देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब मैं भी एक दिन बहुत बड़ा वकील बनूंगा। 100% रवानी। भंडारी साहब, हमारे यहाँ जमानत का मतलब होता है रिहाई, और आपकी रिहाई आज आपके परम मित्र चौधरी साहब के साथ सेलिब्रेट करेंगे। चलिए चलिए चलिए। ये सीएम कितने मुंह वाला सांप है, अभी अभी तक तो आपसे सारे काम करवाता था और आज इनका ट्रांसफर करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, इनका ना वोट से पेट भरता है ना नोट से। मिस्टर भंडारी, हम देते देते गरीब हो जाएंगे, मगर ये करप्ट नेता लेते लेते कभी अमीर नहीं होंगे। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आज इसने मेरे बेटे के मामले में अपना रंग क्यों बदल दिया। मीडिया, चौधरी साहब मीडिया, ये मीडिया वाले अगर किसी बात को तुल दे दें तो बड़े बड़े भूत भी भजन गाने लगते हैं।
मैन पावर, मनी पावर, अरे पॉलिटिकल पावर से भी बड़ी ताकत है मीडिया। ये मीडिया वाले अगर किसी बात का इशू बना देते हैं ना, तो बड़े बड़े खैर खां भी उसे हाथ लगाने से कतराते हैं। तो आपके मंत्री कौन से खेत की मूली हैं? मंत्री से ज्यादा वो 5,000 तनख्वाह पाने वाला इंस्पेक्टर उछल रहा है, उसका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अरे आप इस पचड़े में मत पड़िए चौधरी साहब, मैं काले कोट वाला क्यों जिंदा हूं? उसकी खाकी वर्दी मैंने अदालत में नीलाम न करवाई ना, तो मेरा नाम भी सत्यप्रकाश सतवानी नहीं। अपने बच्चों को पुलिस रिमांड से जुडिशियल कस्टडी में लेने दीजिए, बस फिर देखिए मैं क्या क्या गुल खिलाता हूं। आइए 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 आइए, देखिए सतवानी साहब, आपके बच्चों को जो जगह पसंद है ना वहां रखवा दिया जाएगा। वो जो बैरक है ना, उसमें ए कंपनी के आदमी है, अच्छा। उसके सामने वाले बैरक में बी कंपनी के गैंगस्टर, अच्छा। और एकदम पीछा वाला जो बैरक है ना, उसमें डी कंपनी के लोग, और ये जो बैरक है ना, इसमें है ई कंपनी के लड़के, अच्छा। हाँ, इलियास भाई के बदमाश खतरनाक शार्प शूटर्स। ए जलर, इधर आ। इलियास भाई अंसारी, ई कंपनी वाले। ये वही लौंडे हैं ना जिन्होंने बच्ची का रेप किया था? हाँ भाई वही, ये दोनों वही हैं। भेज दे इनको मेरे सेल में, बहुत दिनों से मेरे लड़के भूखे भी हैं और प्यासे भी। इनमें इतना मर्द का जहर भर देंगे कि सालों का ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। भेज देना। जेलर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों को कोई अलग सेल में? अलग से कुछ हो सकता है? जेलर साहब, हमारे बच्चों को पत्थर पर सोने की आदत नहीं है। गद्दा, तकिया, चद्दर, सबका बंदोबस्त हो जाएगा। एक बात बताइए, टॉयलेट इंडियन चलेगा या वेस्टर्न? अरे जेलर साहब, जिंदगी में कभी बेचारों ने इंडियन टॉयलेट देखा तक नहीं, बैठा नहीं जाता ना। वेस्टर्न टॉयलेट का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि खाना जेल का चलेगा या घर से? घर का हो जाए तो जेलर साहब अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये कुछ सिगरेट, ड्रिंक्स, वो सब वगैरह बेटा चाहिए? बेटा नहीं सतवानी, नहीं सतवानी, पूछ लो क्या है। इतना हो रहा है उतना ही बहुत हो जाएगा। मगर इन सब के लिए, इन सब के लिए क्या क्या जेलर साहब? क्या? हाँ हाँ, बोल दो हिसाब हिसाब है। देखिए सतवानी साहब का लिहाज करके बोल रहा हूँ, खोली का वीकली किराया 1,00,000 रुपए, गद्दा, तकिया, चद्दर उसका 50,000 रुपए, और वो फोन यूज करेंगे क्या, उसका 10,000 रुपए, और घर से जो खाने का टिफिन आएगा ना, उसके निचले वाले डिब्बे में 1,000 के 5 नोट रख देना बस, लेकिन जितनी बार वो टिफिन आएगा वो रखना पड़ेगा। अरे जेलर। हाँ भाई। क्या हुआ रे, अभी तक लौंडों को अंदर नहीं भेजा? बच्चों को समझा के रखा है मैंने, जरा जल्दी अंदर भेज दे इनको। जल्दी बोली क्या करना है? हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन हमारे बच्चों को अलग सेल में रखिए, इनके साथ थे। मैं इनके साथ थे, ठीक है ना? परफेक्ट। मैं बेईमानी का धंधा भी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तेल की तेरे को बोला ना, नाम मतलब यार ना। भाई सॉरी भाई, सॉरी, आप बात पूरी कर लीजिए। सॉरी, मुन्ना बाकी संभाल लेगा, बाद में फोन कर। क्या हुआ रे जेलर? तोड़ पानी हो गया इलियास भाई, 50% अपने स्टाफ के लिए और 25% आपके लिए, और बाकी का 25%? वो कुत्ता, कमीना वकील सतवानी, उसका भाई बहुत ही पुराना चावल है, साला सारे केस में मिलीजुली सरकार चलाता है। इंसानियत के नाते एक बात बताऊं जेलर, आज रात उन अमीरजादों की इतनी पिटाई करना कि कम से कम उस बच्चे की आत्मा को तो शांति मिले। भाई आप टेंशन मत लो, सबको शांति मिलेगी, सब शांत हो जाएंगे। चलता हूं भाई, आप फोन पे बात करो भाई। अरे पापा, अब अभी तक सोया? जल्दी करो ना, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, और मेरी फास्ट में निकल गई तो। हाँ?
हेलो श्रीकांत। मिसेस डिसूजा, आपका भाई ऑस्ट्रेलिया से? जस्ट नाउ, बस अपना लगेज फ्लैट में रखा और जल्दी जल्दी अपनी डार्लिंग बेबी को विश करने आ गया। कहाँ है वो? आज उसका बर्थडे है ना, याद है ना श्रीकांत, जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उसने क्या कहा था? देखो आंटी, आप कहीं पे भी जाओ पर मेरे बर्थडे के दिन मेरे गिफ्ट के साथ आप मेरे पास पहुंच जाना, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोलते, आज तक हमने आपका बर्थडे मिस किया, इस बार भी बिल्कुल नहीं करेगा, आपके बर्थडे पे जरूर आएगा। रोमेंस रोमेंस। क्या बात है श्रीकांत, तुम चुप क्यों हो? श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही मिसेस डिसूजा। चलो नीचे उतरो। चलो चल। बेटा कैसे हो? बेटा तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जैसे बोला है वैसे ही करना है, बिल्कुल फिक्र मत करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चौधरी साहब, अरे 15 साल से कानून को यही जंतर मंतर सिखा रहा हूं। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ईशान भंडारी और मयंक चौधरी, इन दोनों का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं। ये दोनों इज्जतदार घराने के हैं, जेल का खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। अदालत की अवमानना हो इसलिए आपके सामने इन्हें पेश किया गया है। इनकी हालत बहुत ही गंभीर है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मोकिलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। काले कोट का कमाए, अब आगे आगे देखिए होता है। हेलो, सतवानी मैं ईमानदार हूं मगर बेवकूफ नहीं। तू अदालत की आंखों में धूल झोंक सकता है मगर मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूं। समझाइए इसको, कानून के इस जंग में तू अगर मेरे रास्ते में आया ना तो मैं तेरी सारी वकालत वही घुसेड़ दूंगा
जहां से तू इस दुनिया में आया है। इलियास भाई नाम है मेरा, इलियास अंसारी। अखबार, टीवी, रेडियो, पब्लिक सब इस नाम को लेने से डरते हैं। जो कुछ होता है शहर में उसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा किया तुमने, मगर दूसरे को क्यों छोड़ दिया? देसी कट्टा था, शमशान से मिला था, एक ही गोली होती उसमें। बाहर की तरह अंदर भी मेरा राज है। कुछ खाएगा पिएगा? यहां मेरा अपना एक किचन है। भूख नहीं है मुझे। कितने दिन नहीं खाओगे? दो दिन, चार दिन, पांच दिन? जानते हो दुनिया में मौत से भी बड़ा एक दुख है भूख। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी के लिए जीना है तुम्हें। तुम मेरी बीवी को जानते हो? मैं कत्ल करने वालों की कदर करता हूं। तुम दोनों ने जो किया सही किया। जितनी देर गुनाह करने में लगता है, अगर उतनी देर में इंसाफ ना हो तो हर कोई वही करेगा जो तुम दोनों ने किया। मगर मैं तुम दोनों को जेल में सड़ने नहीं दूंगा। मगर मैं अदालत के चक्कर में पड़ 10 साल गुनाह के रास्ते पर चलते चलते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अदालत का फैसला मैं तुम्हें यहीं सुना देता हूं। तुम्हारी बीवी बाइज्जत बरी हो जाएगी और तुम्हें बरी करवाएगा मेरा वकील जेके सक्सेना। इस केस का यह नया नाटक है जिसका नाम है चश्मदीद गवाह, जिन्होंने रेप होते हुए अपनी आंखों से देखा। इस बात पर सिर्फ आज ही अदालत में पर्दा उठ रहा है। इसके पहले न किसी ने टीवी चैनल पे देखा, न किसी अखबार में पढ़ा। तो फिर यह चश्मदीद गवाह कहां से आ टपके? मिस्टर कृपाशंकर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके ये चश्मदीद गवाह है कौन और कहां है? वो गवाह अदालत में गवाही देने नहीं आ सकते। क्यों जी? उनके अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम है। ऑर्डर ऑर्डर। ये जवाब ही पूरे केस को खारिज करने के लिए काफी है योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे मुवक्किलों को पकड़वाने के लिए उन गवाहों को पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, और आज अदालत में आकर गवाही देने के लिए उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। सच्चाई तो यह है योर ऑनर कि इस पूरे केस का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चश्मदीद गवाह है योर ऑनर, वो भी एक नहीं तीन तीन लोगों ने यह बलात्कार होते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं उन तीनों चश्मदीद गवाहों को कल ही अदालत में पेश करूंगा योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत कल तक के लिए अर्जन की जाती है। मेरा तो इस दुनिया से भरोसा ही उठ गया है।
न वो पुलिस वाला बिकने के लिए तैयार है, न वो वकील झुकने के लिए। ऊपर से ये तीन गवाह टपके, ये है कौन? वो कौन है उसका पता अभी चल रहा है, अभी तक नहीं आया। लो आ गए तारनहार। प्रभु, बड़ी देर कर दी प्रभु दर्शन देने में। आइए आइए। आप हैं मयंक चौधरी के पिता श्री टीपी चौधरी साहब, और आप हैं एसीबी सावन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कृपा शंकर ठाकुर के परम मित्र हैं ये। भगवान, क्या लेंगे आप? मुफ्त में सिर्फ चाय कॉफी नहीं लेता, बाकी सब कुछ ले लूंगा। अरे सुनो, तीन लार्ज ब्लू लेबल मेरे लिए, आपके लिए नहीं, सोमवार को नहीं। काम की बात करो सतवानी। काम की बात तो फोन पे हो चुकी है, बात रही सिर्फ एलडी की। बोलो कितना लोगे? तुम कितना दोगे? 2 करोड़ कैश। इस केस के आई विटनेस कौन कौन है? ऊपर जा, पूछा गायब है, ताला लगे ले। अरे चल चलो जल्दी चलो। चल भाई को फोन लगा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो साहब, मैं शालिनी देवी बोल रही हूँ, हमारी जान खतरे में है। क्या? हाँ साहब, रमणीक भाई ने अभी अभी आकर बताया है, गुंडे उनको उठाने आए थे। आप लोग वहीं रोकिए, मैं अभी आता हूँ। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए आप? मैं अभी आता हूँ। ठीक है पूजा, तू जाकर दरवाजा बंद कर दे। खबरदार जो हिले तो। सावन साहब। हाँ बोल भाई। बोल रहा हूं, काम हो गया है। कितने में बिका तुम्हें? 2 करोड़ रुपयों के खातिर तूने अपना ईमान, धर्म, अपनी ड्यूटी, यहां तक कि मेरा भरोसा भी बेच दिया। बी प्रैक्टिकल यार कृपा, बी प्रैक्टिकल। इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाने के लिए मैंने 1 करोड़ दिए थे, 1 करोड़। पर अभी आने के लिए दूसरा नया एसीपी 1.5 करोड़ हाथ में लिए लाइन में खड़ा है। देख यार, पहले नौकरी बिकती थी, अब ट्रांसफर बिकता है। तेरे जैसे पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट टेंडर बोर्ड बन गया है। तेरी जगह मैं होता ना सावंत, तो खरीदार के सीने में 6 की 6 गोली ठोक देता। तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को बड़ी जरूरत है। तेरे जैसे लोग उन 4 वफादार कुत्तों की तरह होते हैं, जिनका इस्तेमाल आदर्श, उदाहरण और तमगों के लिए किया जाता है। जो इंस्पेक्टर में भर्ती तो होते हैं, लेकिन एक्स इंस्पेक्टर तक तरक्की करके मर जाते हैं साले। तुम लोगों का इस्तेमाल किया जाता है कृपा बाबू, और हम जैसों को बेचा जाता है। एंड दैट इज अवर पुलिस डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह है कि इस केस में तू मेरी कोई मदद नहीं करेगा। वो मदद करे ना करे, लेकिन मैं मदद करूंगा। भाई और छोटू को उठाओ और कृपा के हवाले कर दो। समझ गया? हमें यहां किस लिए बुलाया गया है? आप लोगों से सिर्फ एक जवाब जानने के लिए और सिर्फ एक ही सवाल पूछने के लिए। क्या आप लोगों ने उन तीनों आई विटनेसेस को खत्म करने की सुपारी दी थी? सुपारी? कौन सी सुपारी? बोलकर तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे मिस्टर सतवानी, अब आवाज हलक में ही अटक गई। छोटू। जी साहब। भाई। जी साहब।
तुम दोनों ने रमणिक भाई और उन दो औरतों को खत्म करने के लिए कितने की सिपाही ली थी इन लोगों से? 5 पेटे की साहब। आजकल यही रेट है साहब। क्या किया उनका? साहब तीनों को मार के गटर में डाल दिया था साहब। खान। यस सर। हथकड़ियां खोल दो इनकी, बाजू में पुराना रिवॉल्वर डालकर पंचनामे में इनकाउंटर शो कर देना। ओके सर। एक बात याद रख सतवानी, मेरे केस में कानून के साथ खिलवाड़ मत करना। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूं, यूपी में पला बड़ा हूं, जहां हर घर से 3 नेता, 2 गुंडे और 1 आईएस पैदा होता है। आइंदा मेरे साथ गुंडाई की तो इतनी गोलियां मारूंगा साले कि खाली खोखे बेच बेच के भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। सुनाई दिया, आपके लिए भी है। जय हिंद। जय हिंद। बोल। जय हिंद। जय हिंद। चलिए। योर ऑनर, कहां है इस केस के चश्मदीद गवाह जो मेरे मित्र सक्सेना अदालत के सामने पेश करने वाले थे? सच्चाई तो यह है योर ऑनर कि इस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह था ही नहीं। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें मेरे क्लाइंट मयंक चौधरी को फंसाया गया है और उसके दोस्त ईशान भंडारी और चंदू प्रसाद की हत्या हो गई। योर ऑनर, इस सारी कॉन्स्पिरेसी से पर्दा उठाने के लिए मैं मिसेस श्रद्धा वर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिसेस श्रद्धा वर्मा, आप उस रात ट्रेन में ये ऐसी ड्रेस पहनकर किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही थी? मुझे ऐसे कपड़ों से सख्त नफरत है जिसे आधा शहर पहने वालों को आधा नंगा दिखे और आधा शहर पूरा नंगा। मैं ये ड्रेस पहनकर उन रेपिस्टों को ट्रैप करना चाहती थी। ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं योर ऑनर। योर ऑनर, मुंबई शहर में आधी रात के बाद ये ऐसे कपड़े पहनकर ट्रेनों या सड़कों पर सिर्फ धंधा करने वाली औरतें ही निकलती हैं। मिस्टर सतवानी, तुम जैसे लोअर औरतों को उकसाकर उस बात को कुरेद कुरेद कर इस मोड़ तक ले आते हो जहां से औरतें या तो मजबूरी में पीछे हट जाती है या तो बेशर्मी से खुलकर बता देती है कि उनके साथ कब, क्या और किस तरह से हुआ था। अरे तुम जैसे लॉयरों को तो पहले जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए कि तुम्हारे बाप का बीज उसमें कैसे पड़ा था। I object your honor। तुम पूरी अदालत के सामने एक औरत के साथ इतनी बेहूदगी से पेश आओ तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर मैंने एक सवाल पूछ लिया तो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन का झंडा लेकर नाचने लगे। योर ऑनर, अच्छा हुआ कि मेरी बेटी मर गई, वरना वो मासूम क्या बताती कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। योर ऑनर, मैंने खून किया है और मैं उसे कबूल करती हूं। मैं यहां पर अपने गुनाह की कोई सफाई देने नहीं आई हूं, मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची का इंसाफ मांगने आई हूं। कब तक हर मां अपनी बच्ची पर हुए अत्याचार के खिलाफ इंसाफ के लिए गिड़गिड़ाती रहेगी?
क्यों ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं बनता जिससे बलात्कार करने वालों को सीधे फांसी मिले? चाइल्ड रेप आज हमारे देश के हर गांव, हर शहर, हर राज्य की समस्या है, तो फिर इसके लिए कोई लड़ाई क्यों नहीं जज साहब? कोई कठोर कानून क्यों नहीं? जज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, ऐसा कोई फैसला सुनाइए कि कानून के इतिहास में आपका फैसला एक नई क्रांति लेकर आए। छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार करने वाला हर हैवान ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार सोचे, 100 बार सोचे। जज साहब, मैं किसी भी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता। मुझे जो कुछ भी करना था मैं कर चुका और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मुझे क्या सजा मिलेगी मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं। हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई जज साहब। मेरी आपसे एक ही विनती है जज साहब कि आज आप एक ऐसा फैसला सुनाइए जिससे बलात्कार का फैलता हुआ यह खतरनाक जहर किसी और की दुनिया तबाह ना कर दे। हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी को न्याय मिले, ताकि हर मां बाप का भरोसा इस अदालत पे और हमारे देश के कानून पर कायम रहे। बस जज साहब, मुझे और कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। जज साहब, मैं सिबी सावंत, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। जज साहब, यही है वो तीनों चश्मदीद गवाह, शालिनी देवी, उनकी बेटी पूजा और रमणिक भाई वोरा, जिन्होंने चंदू प्रसाद, ईशान भंडारी और मयंक चौधरी को श्रुति वर्मा का बलात्कार करते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन तीनों गवाहों के बयान आज ही अदालत में कलमबद्ध किए जाए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। जज साहब, मैं शालिनी लोखंडे। कृपा, मेरी बीवी और मेरी बच्ची कहां है? मेरे पास है, सलामत है। वो लोग मुझे वापस कब मिलेंगे? इनका बयान हो जाने दे, मिल जाएंगे। तुझे पता कैसे चला कि ये लोग मेरे पास है? सावंत, मैं भी पुलिस वाला हूं, तुझे मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। 2 करोड़ में तू किसी की जान नहीं ले सकता। जान का सौदा तो तू कम से कम 5 करोड़ में करता। मुझे कौन सी उन तीनों की लाशें मिल गई थी? जब पुलिस वाले एक दूसरे की फैमिली को उठवाएंगे तो क्या फर्क रहेगा हमें और अंडरवर्ल्ड में? बहुत फर्क है सावंत, उनके अंदर अब भी थोड़ी सी ईमानदारी बाकी है।
इस केस में तो कोई भी खेल खेल ले कृपा, जीत तो तेरी होगी नहीं, तेरा आज ही ट्रांसफर हो चुका है। चौधरी ने ऊपर से चक्कर चलाया है। योर ऑनर, 5 बज चुके हैं और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगली तारीख दे दी जाए। नहीं जज साहब, नहीं, रोज कोर्ट से इन्हें नई तारीख मिलेगी और रोज इन गुनहगारों को नई जिंदगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं जज साहब, अब आगे अगली तारीख मत दीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वैसे तो मुझे इस केस में बोलने का कोई हक नहीं है जज साहब, क्योंकि मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। एक पुलिस वाले को या इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ एक नजर से देखा जाता है जज साहब, वो चोर है, बेईमान है, रिश्वतखोर है, जो 30 साल की नौकरी के लिए अपने डिपार्टमेंट में आता है उसे चोर, रिश्वतखोर, बेईमान बनाने वाले जज साहब वो लोग हैं जो सिर्फ 5 साल के लिए गद्दी पर आते हैं। मेरे बाद कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा और वो बेचारा अपनी मजबूरी के कारण इस पूरे केस को पलट कर इनके फेवर में कर देगा और फिर इस बुढ़े की हलक में डंडा डालकर मार दिया जाएगा और इन दो औरतों का वो हश होगा कि मर्द जात को देखते ये दीवार से चिपक कर चीखेंगी या फिर इनको नंगा कर सड़क पर घुमाया जाएगा और पागल करार कर दिया जाएगा। हम किस पे भरोसा करें, किसके पास जाएं जज साहब? समाज में तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल बैठे हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली तक सिर्फ गोलियां चलाते हुए आए हैं और वो दिन दूर नहीं जज साहब जब उस कुनबे के अंदर खुलेआम एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाएंगे। हर भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, एक ही बयान है कि जब तक अदालत, जब तक न्यायपालिका उनको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करती तब तक वो निर्दोष है। अगर वो निर्दोष है जज साहब तो अदालत में उनके खिलाफ केस ही क्यों चल रहा है? जज साहब ये मुल्क एक ज्वालामुखी पर बैठा है और ये दिमाग से देश के बारे में कुछ सोचने के बजाय, कुछ करने के बजाय, कानून बनाने के बजाय एक दूसरे के साथ कुत्ते और बंदरों की तरह लड़ रहे हैं। क्या यही राष्ट्र की गरिमा है, उसकी महिमा है? इस देश की जनता को अगर भरोसा है तो सिर्फ न्यायपालिका पर जज साहब, और सही मायने में न्यायपालिका ही इस देश को चला रही है और उसी न्यायपालिका के सामने मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर मरने को तैयार है कम से कम उसके कफन की तो हिफाजत की जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस दलील का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है जज साहब, ताल्लुक है। जो मैं कह रहा हूं वो एक नंगा सच कह रहा हूं और बच्चियों के साथ, औरतों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार इस देश की गंभीर समस्या है, एक नंगा सच है, मगर इसके बारे में ना कुछ सोचा जाता है ना कुछ किया जाता है। जज साहब, जिसके साथ भी हादसा होता है या तो वो डर जाता है या फिर पुलिस का रवैया ही खतरनाक होता है। पैसे और पावर के खेल में इस तरह के केस की छानबीन ही बंद कर दी जाती है या फिर उन पर इंक्वायरी बिठा दी जाती है, मगर आज तक किसी भी इंक्वायरी पर फैसला हुआ है ये इस देश की जनता ने कहानियों में भी नहीं पढ़ा होगा। हर गवाह अदालत में आके मुकर जाता है, क्यों? केस इतना लंबा चलता है, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में लड़की की शादी की उम्र निकल जाती है या अगर वो औरत हुई तो वो बुढ़ी हो जाती है और अगर वो बुढ़ी हुई तो मर जाती है। ऐसा क्यों जज साहब? जज साहब, यह सिलसिला तभी बंद हो सकता है जब इस केस के लिए एक ही अदालत हो, एक ही सुनवाई हो और उसी में फैसला हो जाए। उसके बाद ना कोई दूसरी तारीख, ना कोई दूसरी अपील और ना ही कोई दूसरी अदालत। इसलिए आपसे मेरी यह गुजारिश है कि इस केस का फैसला सुनाने के बाद ही आप इस अदालत को बर्खास्त करें। वकीलों की जिरह, गवाहों के बयान और सबूतों के बिना पर अदालत मुल्जिम श्रद्धा वर्मा और श्रीकांत वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।
और मुल्जिम मयंक चौधरी को मुजरिम करार देती है। नाबालिग बच्ची श्रुति वर्मा पर बलात्कार और हत्या के जुर्म में अदालत मुजरिम मयंक चौधरी को सजाए मौत देती है। अपनी नजर के सामने टू बी हैंग टिल डेथ इन फ्रंट ऑफ द लॉ, उस बच्ची के माता पिता श्रीकांत वर्मा और मिसेस वर्मा को अदालत हुक्म देती है कि वो अपने हाथों से मुजरिम को फांसी दे। और अदालत इंस्पेक्टर कृपा को हुक्म देती है कि वो मुजरिम को फांसी के फंदे तक ले जाए। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, छोड़ दो। फैसले के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं नहीं जानता हूं कि कानून को जानने वाले और मानने वाले कितना मेरे इस फैसले से सहमत होंगे, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैंने अपनी आत्मा से न्याय किया है। मैं जाग चुका हूं, अब तुम भी जागो।